मूवी के स्टार्ट में हम नैन्सी ड्रू को देखते हैं, जो टू क्रिमिनल्स को पकड़ते हुए पुलिस के हवाले करती है। नैन्सी 17 साल की टीनेजर गर्ल है और उसे क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन नैन्सी के डैड केसन ड्रू उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं नैन्सी सब टीनेजर्स की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करे, लेकिन नैन्सी मिस्ट्री सॉल्विंग नहीं छोड़ना चाहती। केसन एक लॉयर है और अपने एक केस के सिलसिले में नैन्सी के साथ कुछ देर के लिए रिवर हाइट से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहा है। अगले दिन कैलिफोर्निया जाने से पहले नैन्सी का स्पेशल फ्रेंड नेड उससे मिलने आता है। नैन्सी उसे बताती है कैलिफोर्निया में वो जिस मेंशन में रहने वाले हैं, वहाँ 20 साल पहले हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस रिकॉर्ड रहा करती थी और मेंशन में एक पार्टी के दौरान उसका मर्डर हो गया, लेकिन आज तक उसका मर्डरर नहीं पकड़ा गया और वो उसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। नैन्सी ने कैलिफोर्निया के बारे में रिसर्च की थी, तभी उसे ड्रेक हॉट के बारे में पता चला था। केसन इस बारे में नहीं जानता था, इसलिए नैन्सी ने उसे ड्रेक हॉट का घर रेंट पे लेने की जिद की थी। केसन बाहर आ जाता है और नैन्सी अपने सब फ्रेंड से मिलने के बाद चली जाती है। कैलिफोर्निया पहुंचते ही केसन और नैन्सी मेंशन जाने के लिए निकलते हैं। एक लेडी बारबरा जो मेंशन की लुक आफ्टर करती है उन्हें मेंशन दिखाते हुए बताती है वॉल्स पर सारा दिन प्रोजेक्टर्स के जरिए रिकॉर्ड की मूवीज चलती रहती है और किसी को उन्हें उतारने की परमिशन नहीं है। नैन्सी एक ओल्ड मैन के अचानक सामने आने से डर जाती है। बारबरा उन्हें बताती है ये घर के ओल्ड केयर टेकर जॉन लेशिंग है। रात में नैन्सी को सेकंड फ्लोर के स्टोर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो जॉन और केसन को फोन करते हुए कहती है मेंशन में चोर आ गया है। रूम से बाहर निकलते ही वो जॉन को देखती है और उसके साथ स्टोर में पहुंचती है। केसन भी वहां आ जाता है। नैन्सी कुछ बुक्स देखते हुए जॉन से उनके बारे में पूछने लगती है। जॉन लेट नाइट नैन्सी के डिस्टर्ब करने पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। केसन नैन्सी को इन चीजों से दूर रहते हुए स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहता है क्योंकि कल से उसे स्कूल जाना है। नैन्सी एक बुक अपने रूम में ले जाती है। उस बुक से उसे एक लेटर मिलता है। वो लेटर ड्रेक हॉट ने किसी डी नाम के शख्स को लिखा होता है। लेटर पढ़ने पर नैन्सी को पता चलता है कि ड्रेक हॉट को अचानक से अपनी विल चेंज करवानी पड़ी थी और वो डी को विल चेंज करने और उसे छोड़ने पर सॉरी बोल रही थी। लेटर पढ़ते ही नैन्सी क्यूरियस हो जाती है और सोचने लगती है कि ड्रेक हॉट किसके लिए विल लिख रही थी, क्योंकि वो तो सिंगल थी और अगर उसने विल लिखी थी तो उसकी डेथ के बाद वो किसको मिलने वाली थी। इतनी कंफ्यूजन में वो ये केस छोड़ने का फैसला करती है और अपने स्कूल के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैन्सी स्कूल जाना स्टार्ट करती है। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन उसकी किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि नैन्सी बाकी सब स्टूडेंट्स के हिसाब से ओल्ड फैशन है। एक दिन लंच करते हुए एक 10 साल का बच्चा कॉर्की दूर बैठा उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो देखता है नैन्सी की टू क्लासमेट्स इंगा और ट्रिश ने नैन्सी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसका कपकेक चुरा लिया है। कॉर्की उन्हें वो केक वापस करने के लिए कहता है, लेकिन ट्रिश एक केक उसके मुंह पे मारते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में सब स्टूडेंट्स मैच देख रहे होते हैं। इसी दौरान कॉर्की फेंट हो जाता है। इंगा और ट्रिश कॉर्की को CPR देने के लिए हेल्प मांगने लगती हैं। नैन्सी कॉर्की को CPR देने आती है, तभी कॉर्की हंसने लगता है। इस सीन में हमें पता चलता है कॉर्की उन इंगा और ट्रिश का भाई है। कॉर्की ने उन दोनों के साथ मिलके ये प्रैंक सेट किया था। सब नैन्सी पर हंसने लगते हैं और नैन्सी एम्बैरस होते हुए वहाँ से चली जाती है। नैन्सी खुद को रिकॉर्ड के बारे में सोचने से रोक नहीं पाती और फिर से उस पर स्टडी करने लगती है। इसी दौरान कुछ आवाजें सुनने पर वो रूम से बाहर जाती है और कुछ ना मिलने पर एक रूम में रिकॉर्ड की मूवी देखने लगती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और इतनी रात को वहाँ आने पर नैन्सी पे गुस्सा करने लगता है। नैन्सी जॉन को सॉरी कहते हुए पूछती है क्या वो रिकॉर्ड को पर्सनली जानता था। जॉन कुछ याद करते हुए उसे बताता है कि वो रिकॉर्ड का असिस्टेंट था और उससे बहुत प्यार करता था। नेट से रिकॉर्ड के बारे में सर्च करने पर नैन्सी को पता चलता है कि ड्रेकॉट किसी के साथ रिलेशन में थी और कुछ न्यूज के मुताबिक वो प्रेग्नेंट भी थी। अगली सुबह कॉर्की नैन्सी को सॉरी बोलने आता है और उसे कहता है वो उसे बहुत पसंद करता है। नैन्सी कॉर्की की अपॉलोजी एक्सेप्ट करते हुए उसे अपने रूम में ले जाती है और ड्रेकॉट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ड्रेकॉट की लास्ट फिल्म के सब सीन्स क्लोजअप में लिए गए हैं, यानी उसकी बॉडी छुपाने की कोशिश की गई है, जिसका मतलब है उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज सच थी। नैन्सी कॉर्की
बच्ची के साथ ड्रेक कॉर्ड के को एक्टर्स से उसके बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब उसे बात करने से इनकार कर देते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो नेट से कैलिफोर्निया के 20 साल पुराने एडॉप्शन सेंटर की इंफॉर्मेशन लेते हुए वहाँ पहुँचती है और एडॉप्शन सेंटर के रिसेप्शनिस्ट को पेस्ट्री की लालच देते हुए 20 साल पहले एडॉप्ट होने वाले बच्चों का रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब हो जाती है। नैन्सी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ड्रेक कॉर्ड के बच्चे की सर्च करते हुए एक लड़की जीन से मिलती है। जीन की लुक्स ड्रेक कॉर्ड से बहुत मिलती है और वो ड्रेक कॉर्ड की डेथ से एक माह पहले एडॉप्ट की गई थी। नैन्सी को कंफर्म हो जाता है कि जीन ही ड्रेक कॉर्ड की बेटी है। जीन एक सिंगल पेरेंट है और अपनी बेटी एली के साथ अपार्टमेंट में रहती है। नैन्सी जीन को ड्रेक कॉर्ड के बारे में बताते हुए कहती है अगर वो उसकी हेल्प करे तो ड्रेक कॉर्ड की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो सकती है। जीन खुश हो जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए एग्री करती है। नैन्सी केसन के सीनियर बीडरमायर से मिलने जाती है और उसे ड्रेक कॉर्ड के बारे में बताते हुए उसके विल ढूंढने में हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि बीडरमायर एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर है, उसके बहुत लिंक्स है, लेकिन वो नैन्सी से ज्यादा बात नहीं करता और अपना कार्ड उसे देते हुए वहाँ से चला जाता है। बीडरमायर से मिलने के बाद नैन्सी जेन से मिलने जाती है, लेकिन जेन उसे ये कह के भेज देती है कि उसे ड्रेक कॉर्ड की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। नैन्सी उसके सडन चेंज से परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्रेक कॉर्ड की आत्मा नैन्सी के सपने में आती है, जो उसे बताती है कि उसकी विल एक चाइनीज बॉक्स में है। सुबह होते ही नैन्सी कहीं जाने लगती है, तभी उसे केसन की कॉल रिसीव होती है जो उसे घर से बाहर एक प्रेजेंट देखने के लिए कहता है। नैन्सी एक्साइटेड होते हुए बाहर जाती है, कॉर्की भी वहाँ आ जाता है। नैन्सी एक कार देखते हुए बहुत खुश होती है। तभी नेड उसे बर्थडे विश करते हुए वहाँ आता है और बताता है केसन ने बिजी होने की वजह से उसे ये प्रेजेंट डिलीवर करने के लिए कहा था। वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। नैन्सी नेड और कॉर्की के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाती है जहाँ इंगा और ट्रिश भी उन्हें ज्वाइन करती है। तभी नैन्सी को एक एंटीक शॉप नजर आती है और वो अपना सपना याद करते हुए चाइनीज बॉक्स ढूंढने शॉप में चली जाती है और शॉप के ओनर से शॉप में मौजूद सभी चाइनीज बॉक्स को चेक करने की परमिशन लेती है। तभी नेड और बाकी सब भी शॉप में आ जाते हैं। वो सब शॉप में चाइनीज बॉक्सेस चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी शॉप का ओनर उन्हें एक यूनिक चाइनीज बॉक्स दिखाता है, लेकिन वो बॉक्स भी खाली होता है। नैन्सी बहुत निराश हो जाती है। अगला सीन मेंशन के स्टोर पर शिफ्ट होता है, जहाँ नैन्सी नेड और कॉर्की के साथ एक सीक्रेट डोर तलाश करती है, जिसे खोलने पर उन्हें एक टनल नजर आता है और उस टनल का एक सीक्रेट डोर उसके रूम से भी अटैच होता है। नैन्सी को पता चलता है कि डोर ओपन होने से उसे वो आवाजें सुनाई देती थी, यानी कोई सीक्रेट डोर से मेंशन आने की कोशिश करता है। नैन्सी टनल में चलते हुए अपने ओल्ड नेबर के घर पहुंच जाती है। वो नेबर सीक्रेट रास्ता देखते हुए बहुत हैरान हो जाती है। नेड नैन्सी की बर्थडे पार्टी के बाद रिवर हाइट वापस चला जाता है। उसके जाते ही जीन रोते हुए नैन्सी के पास आती है और उसे अपने लास्ट टाइम रूड होने की वजह एक्सप्लेन करते हुए बताती है, एक आदमी ड्रेक कॉर्ड की विल के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था और अब उस आदमी ने एली को किडनैप कर लिया है और एली के एक्सचेंज में ड्रेक कॉर्ड की विल मांग रहा है। नैन्सी जीन को केसन के पास ले जाती है ताकि वो पुलिस की हेल्प से एली को ढूंढ ले। नैन्सी केसन को बताती है जीन उसकी फ्रेंड है और उसकी डॉटर को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांग रहा है। केसन जीन का केस हैंडल करने के लिए मान जाता है और जीन से उस आदमी के लुक्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है उस आदमी की एक आंख नीली और एक काली है। केसन किसी काम से वहाँ से चला जाता है। नैन्सी केसन को अपनी मिस्ट्री सॉल्विंग के बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि केसन ने उसे ऐसे केसेस से दूर रहने के लिए कहा था और वो उसे सच बता के नाराज नहीं करना चाहती थी। नैन्सी जेन के साथ शाम को रिकॉर्ड की एक मूवी देखती है, जिसमें उसे वही चाइनीज बॉक्स नजर आता है जो उसने एंटीक शॉप पे देखा था। मूवी देखने से उसे पता चलता है कि उस बॉक्स में एक सीक्रेट पार्ट है जो एक बटन से खुलता है। नैन्सी ये देखते हुए उसी टाइम शॉप पर जाती है और सेम टेक्निक से बॉक्स खोलने पर उसे रिकॉर्ड की विल मिल जाती है। वो खुशी खुशी शॉप से निकलती है, तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में हम नैन्सी को एक सेट के रूम में देखते हैं। होश में आते ही वो एक विंडो से बाहर देखती है, जहां उसे तीन किडनैपर्स नजर आते हैं जो मूवी देखने में बिजी होते हैं। वो खामोशी से सीलिंग पर बने रस्ते से भागने लगती है। तभी उसे ड्रेक कॉर्ड की विल
नजर आती है। वो विल वहाँ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अपने बैग से एक पिन और थ्रेड निकालते हुए एक प्रॉप बनाती है और उससे वो पेपर बोर्ड अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन अचानक वो जगह टूटने की वजह से नीचे गिर जाती है। किडनैपर्स नैन्सी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो सेट से बाहर निकलते हुए एक ट्रक पर जंप कर देती है और अपनी कार तक पहुंचते ही किडनैपर्स उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचते हैं और उसकी कार को हिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और किडनैपर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में कैसन नैन्सी से मिलने हॉस्पिटल आता है। उसे ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन कैसन परेशानी में उसे पूछता है क्या वो उससे छुपकर फिर से किसी मिस्ट्री को सॉल्व कर रही है। तभी बीडरमायर वहाँ आ जाता है और कैसन को घर ड्रॉप करने की ऑफर करते हुए कहता है वो कार में कैसन के कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन कर देगा। कार में बीडरमायर नैन्सी से पूछता है क्या उसे ड्रेकॉट की विल ढूंढने में अब भी उसकी हेल्प चाहिए। कैसन उसकी बात पर हंसने लगता है, जिस पर बीडरमायर उसे बताता है वो ड्रेकॉट का लॉयर रह चुका है। इसी दौरान नैन्सी की नज़र बीडरमायर के सिग्नेचर पर पड़ती है और उसे पता चलता है उसका पूरा नाम डेशियल बीडरमायर है, यानी ड्रेकॉट ने वो लव लेटर डेशियल बीडरमायर को लिखा था। तभी उसकी नज़र ड्राइवर पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नीली और एक काली होती है। नैन्सी ये देखते हुए कार से जंप कर देती है, यानी बीडरमायर नैन्सी से मिलने के बाद उस पर नजर रख रहा था और ड्रेकॉट की विल हासिल करने के लिए सीक्रेट डोर से मेंशन आया करता था और उसी ने नैन्सी को किडनैप करवाया था। नैन्सी भागते हुए अपनी नेबर के घर पहुंचती है और जीन को पुलिस के साथ मेंशन आने के लिए कहती है। विंडो से बीडरमायर के लोग उसे देख लेते हैं, वो उनसे बचने के लिए टनल में भागती है, लेकिन बीडरमायर पहले से वहाँ होता है और नैन्सी से रिकॉर्ड की विल मांगता है, जिस पर वो उसे कहती है विल के मुताबिक रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी उन दोनों की बेटी जेन की है, जिस पर वो कहता है जेन उसकी नहीं जॉन की बेटी है। नैन्सी उसे किक करते हुए वहाँ से भाग जाती है। नैन्सी भागते हुए रूम में पहुँचती है, लेकिन बीडरमायर और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं, वो उसे मारने लगते हैं। तभी नैन्सी बीडरमायर से कहती है अगर वो उसे रिकॉर्ड को मारने की वजह बता देगा तो वो विल उसके हवाले कर देगी। बीडरमायर बताता है वो रिकॉर्ड का सीक्रेट लवर था और रिकॉर्ड की पहली विल के मुताबिक उसकी डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी बीडरमायर के नाम होनी थी, लेकिन रिकॉर्ड को जॉन से प्यार हो गया और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी विल चेंज कर दी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। इसी दौरान जॉन सीक्रेट डोर से वहाँ आ जाता है और एक वेपन से बीडरमायर और उसके एक आदमी को बेहोश करते हुए गन पकड़ लेता है और बाकी आदमियों को डरा के भगा देता है। नैन्सी ने बीडरमायर की सब बातें छुपके से रिकॉर्ड कर ली थी। कॉर्की अपनी सिस्टर्स के साथ वहाँ आता है। नैन्सी जॉन को एक्सप्लेन करती है कि जेन उसकी बेटी है, वो हैरान रह जाता है। तभी जेन कैसन और नेबर लेडी पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते है। कैसन नैन्सी से सब एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। नैन्सी कैसन को सब बताते हुए अपोलोजाइज करती है। इसी दौरान कॉर्की नैन्सी के लिए अपनी फिकर दिखाते हुए उसे जोर से हग कर लेता है। जॉन जेन को हग करते हुए सब बताता है, वो बहुत खुश होती है। बीडरमायर के पकड़े जाने से एली जेन को वापस मिल जाती है। केसन ये सब देखते हुए नैन्सी पर प्राउड फील करता है और अपने नेक्स्ट केसेस उसके साथ सॉल्व करने का प्रॉमिस करता है। जेन रिकॉर्ड के मेंशन को सिंगल मॉम्स के रेजिडेंस में बदल देती है, जहां सब बहुत खुशी से रहते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं रिवर हाइट्स में नेड नैन्सी से मिलने आता है। वो दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए किस करते हैं। तभी कैसन नैन्सी को बताता है स्कॉटलैंड में एक लॉयर ने मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए उन्हें इनवाइट किया है, यानी नैन्सी मिस्ट्री सॉल्विंग एक्सपर्ट बन चुकी है। वो एक्साइटेड होते हुए पैकिंग करने जाती है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।